आपका बिल्डरा वाला था वो आपके मंदिर में घुस गया था हथियार लेकर, उसको मारने के लिए आपका मंदिर ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ छब्बी जनवरी जिहड़ा परेड ते कोई तुहाडा कोई प्रोग्राम करन दा इरादा है जां ट्रैक्टर रैली विच शामिल होण जा रहे जां की प्रोग्राम है ट्रैक्टर रैली दे विच शामिल होण जा रहे हैं जिहड़ा रोस प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसान जथेबंदियां दे काम दे उत्ते उहदे विच शामिल होण लई असीं सारे जा रहे हैं साडा काफला जिहड़ा आ पहला भी साढ़े ट्रैक्टर उत्थे पहुँच चुके हैं रवाना हो चुका है साढ़े नौजवान पहुँच चुके हैं सिख जूथ पंजाब के प्रधान साहब साढ़े नाल जा रहे हैं असं सारे जेडे काफले रूप के उत्थे जा रहे हैं तुहानू की लगता सिट्टा किवें निकलेगा क्योंकि बहुत सारिया जिहड़ियां मीटिंगां जिहड़ियां सरकार दे नाल हो चुकियां किसानां दीआं तुहानू की लगता भी सिट्टा किस तरीके का निकलेगा सिट्टा पॉजिटिव निकलेगा जी और जद तक जिहड़ी आ सरकार अपने जिहड़े तीन कानून वापस नहीं लैंदी उदों तक उत्थे बैठे किसान असी नाल बैठे हाँ बिल्कुल बैठे रहांगे वापस नहीं आवांगे जो कानून वापस ले लेंगे असं आ जाएंगे सो किसान अपने हमेशा शुरू तो ही पॉजिटिव वे ते तुरे ने एक सिट्टा गौरमेंट नूं भी चाहिए है कि क्योंकि जिहड़ी चीज़ पसंद नहीं किसानां नूं किसे लोकां दे हित दी नहीं गौरमेंट नूं भी चाहिए है कि उस चीज़ ते जल्दी तो जल्दी जिहड़ा डिसीजन लिया जाए सो साढ़े नाल सन ये दल खालसा अमृतसर तो कुछ परसनस आओ करते हैं गलबात होर कुछ लोगों देखो 15 जनवरी एन आई ए अफसर का मैंने फोन आया से कहते असं दिल्ली तो एन आई ए अफसर बोल रहे हैं तो एक व्हाट्सएप सामने भेजा गया है नोटिस तुम वो देखो मैं जो देखे कि 21 जनवरी उन्होंने मैंने बुलाया कि मैं कुछ अपने सीनियर सिंगा के नाल गलबात की वह कहते कि जाना चाहिए आ मैं उन्होंने फोन करके पूछा भी कि मैं किस केस के बुलाया गया है किसी कारण करके बुलाया गया लेकिन वो हिंदी के कहते कि आप दिल्ली आ जाए आपको वहीं बुलाएंगे मैनू ना ही उन्होंने कोई सिख फॉर जस्टिस बारे पूछा है ना ही उन्होंने किसी होर केस बारे पूछा है तो उदा वो जिहड़ियां मैं सरगर्मियां करदा आ उहदे बारे मैं तो बहुत समझाउंदे रहे कि खालिस्तानी लीडर ने जिहड़ा तेरा दिमाग आ वो वाश करता होया तो तू इन्हां सरगर्मियों तो पिछे हट जा तो कहते रहे कि जेल में डाल देंगे आपकी बीवी रुल जाएगी बच्चा रोता रहेगा तो वो इदा दियां मैं तो कहा कि दसो मैं अज तक किहदी कोई गैर कानूनी जिहड़ी सरगर्मी की है जिहदे करके मैनू जेल डाल दिओगे ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋੜੋ ਯਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ आपके मंदिर में घुस गया था हथियार लेकर उसको मारने के लिए आपका मंदिर तोड़ना जरूरी था मैं दसिया कि संत भिंडरा वाले उसे कोई भी केस नहीं थी जिन्हें हूँ किसान अपनिया मंगा मना बैठे हुए ਉਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਕੀ ਸਟੇਟ ਕਾ ਸੰਤ ਥਾ ਹਥਿਆਰ ਥਾ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਲਿਆ
सो इदा दर भी जी कई गल् वो भी करते रहे, मैं भी उन्होंने जो अपने जवाब आ वो देता रहा। सारा दिन तो गलबात काफ़ी वधिया तरीके चली, पर जे अंतले वीक मिनट सन जिम्मे 7 से 7:45 तक वो एक मिठे जे लफ्जों के एक धमकी देने वाली गल सी, डराने वाली गल सी, झुकाने वाली गल सी। सीधा वो किसान संघर्ष सीधा नहीं कहते थे, पर वो कहते कि अज तो बाद किसी धरने के बच्चे नहीं जाना, किसी समागम के बच्चे नहीं जाना, ये धरने के जान का अपने तरीके सारी जी गलबात वो दसता रहा। लंबी गलबात हुई 6-7 घंटे उन्होंने मेरा फोन भी रखिया, तो फोन में जो नंबर से जी तस्वीर से बारे भी पूछिया, तो होर जेकर कभी कोई पैसा आया होगा उन्होंने पूछा कि ये पैसे की कितने वरतू की थी, तो फोन का डेटा उन्होंने रखे अपने को? हाँ जरूर रखा होगा, क्योंकि 6-7 घंटे जो मेरा फोन से वो किसी होर कमरे के लै गए थे, तो मैंने लगता कि शायद उन्होंने किसी कंप्यूटर से स्कैन किया होगा। तो मैं उन्होंने पूछा कि जो पैसे आए हैं 1,00,000 रुपया आया हुआ थी, तो मैं उन्होंने फोटो दिखाई कि 50,000 रुपया एक साथ दसिया किसी योगा सिंह खालिस्तानी लुधियाना तो वह एक्सीडेंट हो गया 2016 की गल आ, 50,000 रुपया वो परिवार को मैं जाके दे के आया। इस तरह 40,000 रुपया इस हुशियारपुर के बुढ़ा पेंड है, उसे किसी का एक्सीडेंट हो गया से वो परिवार को मैं दिखाई यूट्यूब उत्ते वीडियो पईं हुई खालसा फतेहनामे से सारा रिकॉर्ड छपया हुआ, पहरेदार अखबार के भी साडा सारा रिकॉर्ड छपया हुआ है। मैं इस पैसे में कोई हथियार वास्ते नहीं बरतिया, कोई लड़ी वास्ते नहीं बरतिया, तो साढ़े नाल सिख यूथ ऑफ पंजाब दे प्रधान नाल ने। हाँ जी, तुहाडा शुभ नाम जी? परमजीत सिंह मान। हाँ जी, की कहना चाहते हो साडे कानूनी शिकंजा चैनल राही? बिल्कुल, पिछले तकरीबन 2 महीने तो किसान का जो संघर्ष है दिल्ली के बार्डर के उत्ते चलता पाया है, उस तहत ही साढ़े जत्थे भी जोड़े ने वो दिल्ली पहुँचने शुरू हो चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं, और अब फिर साढ़ा आखिरी जत्था जोड़ा आ मेयर लीडरशिप के नाल दिल्ली की जरा कूच किया, और अभी सारे नौजवानों के नाल इतने उत्ते जा रहे। एक पॉजिटिव सोच लैके जा रहे हो जी, की होगा? बिल्कुल, जोड़ा भी उत्तर जा रहा सारे पॉजिटिव सोच वाले जा रहे हैं, नैगेटिव सोच वाले जोड़े ने सारे घर।